दबाव में बाजार, निफ्टी 8200 के नीचे फिसला, ऑटो, बैंकिंग और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। कमजोर नतीजों के बाद कोल इंडिया का शेयर 4% तक फिसला, दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 77% की गिरावट, कुल आय में करीब 8% तक का दबाव। टीसीएस से भी सारस मिस्त्री की छुट्टी, ईजीएम में हुआ फैसला, बैठक में शामिल नहीं हुए सारस मिस्त्री, जी बिजनेस के पास ईजीएम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, टाटा टेली की ईजीएम आज। नोटबंदी के बाद घटी रिटेल महंगाई दर, नवंबर में 4.2% से घटकर 3.63% हुई सीपीआई महंगाई दर, खाने पीने की चीजों की महंगाई में बढ़ोतरी। मंधाना इंडस्ट्रीज से डीमर्ज हुई मंधाना रिटेल की आज हुई लिस्टिंग, मंधाना इंडस्ट्रीज के 3 शेयरों के बदले मिले मंधाना रिटेल के 2 शेयर।